नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आईपीएल के मेगा ऑक्शन में कई नए खिलाड़ियों के लिए फ्रेंचाइजी बहुत बड़े दाम लगाकर उन्हें अपने खेमे में शामिल करने के लिए बड़ी बड़ी बोलियां लगाती चली जा रही हैं। ऐसे में एक स्विंग के सुल्तान पर पूरी आईपीएल टीमें भिड़ गई अपने खेमे में उसे शामिल करने के लिए। दरअसल हिमाचल प्रदेश के स्विंग गेंदबाज वैभव अरोड़ा पर आईपीएल 2022 की मेगा नीलामी में जमकर बोली लगी और 20 लाख की बेस प्राइस वाला ये गेंदबाज अब करोड़पति बन गया है। पंजाब किंग्स ने इस गेंदबाज के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ लड़ाई लड़ी और 2 करोड़ की रकम देकर अपने साथ आखिरकार जोड़ लिया। इसके अलावा और कई टीमों ने वैभव अरोड़ा को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। इससे पहले ये गेंदबाज कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ हुआ करता था। वैभव ने हालांकि अभी तक ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली है, लेकिन उनमें काबिलियत बहुत ज्यादा है। उन्होंने दिसंबर 2019 में सौराष्ट्र के खिलाफ प्रथम श्रेणी में डेब्यू किया था। फरवरी 2021 में उन्होंने लिस्ट ए मैच खेला था। जनवरी 2021 में इस खिलाड़ी ने छत्तीसगढ़ के खिलाफ अपना T20 डेब्यू किया था। अभी तक उनका करियर देखा जाए तो उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 8 मैच खेले और 29 विकेट चटकाए। लिस्ट ए में उन्होंने 5 मैचों में 8 विकेट अपने नाम किए। T20 में उन्होंने 12 मैचों में 12 विकेट अभी तक लिए हैं। ऐसे में अब उन पर जिस तरीके से बोली लगाई गई हर टीमों की तरफ से, वो बताता है कि उनमें कितनी काबिलियत है। फिलहाल गेंद को स्विंग कराने में वैभव अरोड़ा माहिर हैं, हिमाचल प्रदेश से आते हैं और उनको अब 2 करोड़ की नीलामी के साथ पंजाब किंग्स ने अपने खेमे में शामिल कर लिया है। फिलहाल पंजाब किंग्स के इस चॉइस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें